हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बातें करेंगे। पहली ये बात कि आपकी कॉपीज चेक हुई हैं, आपको ट्यूसडे तक मिल जाएंगी। और जो काम है वो जब आपको कॉपी मिलेगा तब आप कीजिएगा, उससे पहले आप परेशान नहीं होना कि काम कैसे करना है। दूसरी बात, कॉपीज में काम आप लोग करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे, मम्मी पापा से काम नहीं करवाना, ठीक है? ओके, समटाइम्स क्वेश्चंस आप लिखने में हेल्प ले रहे हैं, ओके, पर आप आंसर आप खुद लिखेंगे, नहीं तो आप लोगों को लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा। राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, रोज राइटिंग लिखना है एक पेज, ताकि आपको अच्छे से लिखने की आदत हो। कॉपी पर आप लोग नाम और अपना नेम, रोल नंबर और क्लास नहीं लिखते हैं। क्लास 1A, B, C कौन सा है, सेक्शन आप नहीं लिखते हैं, तो मैम को कन्फ्यूशन हो जाता है। तो जब भी कॉपी आप स्कूल में सबमिट कराते हैं तो उस पर अपना पूरा डिटेल लिखकर सबमिट कराइए, ओके? वर्क कॉपियों में काम कंप्लीट नहीं है, वर्कशीट पूरा नहीं है। सबसे बड़ी बात, 5 मार्क्स का वर्कशीट कई बच्चों ने नहीं लिखा है, तो हम आपको 5 मार्क्स कहाँ से देंगे? जिन्होंने वर्कशीट किया है उनको 5 मार्क्स मिला है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें नहीं मिला है, ओके? अभी आप काम करने की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कॉपी में खुद से काम करके लिखने की आदत रखेंगे, ओके? अब हम चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर 7, होम स्वीट होम। घर हमारा प्यारा घर, हम कहते हैं ना वैसे ही, ओके? अ होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव। घर वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। घर जो हमें है सुरक्षित रखता है गर्मी से, ठंड से, बरसात से और जंगली जानवरों से। सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं, हर तरह की बाहरी जो भी परेशानियां होती हैं उनसे हमें घर बचाकर रखता है। वी कीप आर थिंग्स इन अ हाउस। हम हमारी चीजों को अपने घर में रखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस। घर दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। दो तरीके के घर होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। देख के समझ में आ रहा है ना, सुनने में समझ में आ रहा है कच्चा क्या है और पक्का क्या है, ठीक है? अभी और आगे भी पढ़ेंगे तो समझेंगे। यू कैन सी कच्चा हाउस इन अ विलेज। आप जो कच्चा हाउस है आप कहाँ पर देख पाते हो? विलेजेस में, गाँव में देखते हैं ऐसे घर, ठीक है? कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड एंड लीव्स। जो कच्चे घर होते हैं वो मिट्टी से और पत्तों से और लकड़ी के बने होते हैं, टहनियों के बने होते हैं। वी इन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हट। इसे कच्चा हाउस को हम और क्या कहते हैं? हट भी कहते हैं। अब ये देखिए, कच्चा हाउस में काम आने वाली चीजें हैं मड, स्ट्रॉ, वुड, ठीक है? इन सब चीजों से कच्चा हाउस बनता है। मोस्ट ऑफ द हाउस इन सिटी, ज्यादातर जो घर होते हैं शहरों में एंड टाउन्स आर पक्का हाउस। सिटी और टाउन्स में जो घर होते हैं अधिकतर वो क्या होते हैं? पक्के घर होते हैं। पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक, आयरन एंड ग्लासेस एक्सेट्रा। जो पक्के घर होते हैं वो सीमेंट से, ईंटों से, लोहे से और कांच, कांच की खिड़कियां वगैरह बनती है ना, इन सब चीजों से मिलकर बनते हैं। अ बिल्डिंग, फ्लैट एंड बंगलो आर ऑल पक्का हाउस। जो बिल्डिंग होते हैं, बंगलोस होते हैं,
और फ्लैट्स होते हैं जिनमें हम रहते हैं, ये सब पक्के हाउस कहलाते हैं, ठीक है। अ बिल्डिंग हैज मैनी स्टोर्स, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें बहुत सारे माले होते हैं, दिख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे होते हैं ना, स्टोर्स होते हैं, ठीक है। अ बंगलो इज अ बिग हाउस, बंगलो जो होता है एक बड़ा घर, जो बहुत आलीशान घर होता है उसको कहा जाता है बंगलो। वी एंटर एंड एग्जिट अ हाउस थ्रू अ डोर, अब जो हम घर के अंदर और बाहर कैसे आते जाते हैं, दरवाजे के रास्ते से हम अंदर बाहर आते जाते हैं। एवरी हाउस शुड हैव विंडोज, सभी घरों में क्या होना चाहिए, खिड़कियां होना चाहिए, विंडोज लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर, जो खिड़कियां होती हैं उनसे सनलाइट सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर ताजी हवा अंदर आती है। दे ऑल्सो लेट आउट द स्टिल एयर, जो खराब हवा होती है उसे वो खिड़कियां उसे बाहर भी निकाल देती हैं। ओके, चैप्टर रीड हो गया, से वापस से आप घर पे एक बार और रीड कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद अभी है क्वेश्चन टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स। अ हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर वी लिव, हाउस क्या है, वो बिल्डिंग है जहां पर हम रहते हैं। पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, जो कच्चा हाउस होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं, गांव में। पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स, पक्के हाउस जो घर होते हैं वो शहरों में मिलते हैं। अ बिल्डिंग फ्लैट एंड बंगलो आर ऑल पक्का हाउस, बिल्डिंग फ्लैट और बंगलोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पक्का हाउस होते हैं। अ कच्चा हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए हट, कच्चा हाउस को क्या कहते हैं और हम हट कहते हैं। ये फिलअप में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अपने आप से भरना है, इसको पढ़ के लर्न करके उसके बाद आप वर्कशीट में करिएगा ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने की आदत होनी चाहिए इसलिए आपको दिए जा रहे हैं, तो इसे लिखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन रीड कीजिएगा और आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन रीड करके उसका मतलब समझिए, देन उसका आंसर लिखिए। नेम थ्री थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस, तीन चीजें जिनकी जरूरत होती है कच्चा हाउस बनाने में, वो है मड स्ट्रॉ एंड वुड, ठीक है। कच्चा हाउस बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होती है, मड स्ट्रॉ एंड वुड। वाई शुड अ हाउस हैव बिग विंडोज, क्यों घरों में बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, घर में क्यों बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए। अ हाउस शुड हैव बिग विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर, एक घर में बड़ी खिड़कियां सूरज की रोशनी और ताजी हवा आने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए होनी चाहिए, ठीक है। वाई शुड अ हाउस हैव अ बिग विंडो, क्यों होना चाहिए घर में बड़ी खिड़की। अ हाउस शुड हैव बिग विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। नेम थ्री थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ पक्का हाउस, तीन चीजें जरूरी हैं जो पक्का हाउस बनाने के लिए, वो है सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन, सीमेंट ब्रिक एंड आयरन नीडेड टू बिल्ड अ पक्का हाउस। ओके, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। प्लीज आप लोग राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज लिखना है, जो भी मैम काम देती है रफ कॉपी में भी लिख के प्रैक्टिस करना है और अपनी कॉपी में भी, क्लास कॉपी में भी करना है। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।